आजकल के समय में ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है। देखिए, शिक्षा पैसे से नहीं मिलती, शिक्षा संस्कारों से मिलती है। एक माता बच्चे की प्रथम अध्यापिका होती है, वो जितने अच्छे संस्कार डालती है, बच्चा शिक्षा युक्त होता चला जाता है। फेल करने से बच्चे का डर खत्म हो जाता है। यदि बच्चे को इसी तरह पास करते गए तो पढ़ाई की ओर से उन्मुक्त हो जाता है, पढ़ाई की तरफ मन नहीं लगाता है। और यदि फेल उसको करते हैं तो उसमें डर रहता है, और डर से ही बच्चा पढ़ता है। आंतरिक डर होना चाहिए। खैर, मार नहीं मारने का समर्थन तो मैं भी करता हूँ। बच्चे को मारना नहीं चाहिए, बल्कि बच्चे को डांटना चाहिए। आँखों का डर एक अध्यापक का बच्चों पर होना चाहिए। आजकल के समय में बच्चे और छात्र में जो गैप खत्म होता जा रहा है, वो गैप बरकरार रहना चाहिए। ऐसी फिल्म बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए जो बच्चों को संस्कार युक्त बनाती है। व्यापारीकरण करके शिक्षक ने खुद भी अपने सम्मान को गिराया है, ऐसा मैं मानता हूँ। शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चे से बराबर गैप बनाए रखे और केवल बच्चे की शिक्षा की तरफ ध्यान दें, व्यापारीकरण की तरफ ध्यान नहीं दें। बच्चे और अभिभावक दोनों का रुझान कोचिंग की तरफ ज़्यादा है, स्कूल में केवल नाम लिखा लेता है। गलत है, यदि स्कूल में ही पढ़ाई होती है तो फिर कोचिंग की कहाँ ज़रूरत है। स्कूल में अपनी समस्याओं का समाधान स्कूल के अध्यापक के पास लाए, उनको सुलझाए। अध्यापक कभी किसी भी समस्या का हल करने में मना नहीं करता है। ऐसे मामलों में भी सरकार को नियम बनाने चाहिए। जो अभिभावक स्कूल में आकर अभद्र व्यवहार करते हैं और केवल ये धमकी देते हैं कि हम पैसा दे रहे हैं इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे अभिभावकों के विरुद्ध कोई न कोई कानूनी कार्रवाई सरकार की तरफ से की जानी चाहिए। आजकल के समय में ऐसी फिल्मों की आवश्यकता है, ऐसी मीडिया की आवश्यकता है जो बच्चों में आंतरिक रूप से गुरु के प्रति आदर के भाव को बढ़ा सके। अनमोल जी शिक्षा के जगत में एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, नहीं मैं कहूँगा, मैं उनका आभारी हूँ। वो आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें। 31 अगस्त को आने वाली जो फिल्म है, जो शिक्षकों के सम्मान के लिए बन रही है, मैं सभी स्कूल डायरेक्टरों से कहना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों को ऐसी फिल्म दिखाएं।